हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? जिसका इंतज़ार था आज एनवायरमेंटल डे यानी पर्यावरण दिवस के अवसर पर, वो आपको शुभ संकेत या शुभ समाचार मिल गया होगा। अर्थात सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जामिनेशन की जो डेट थी फिर से अनाउंस हो गई। आज 5 जून है। सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और पर्यावरणीय परिस्थितियों को आप देख रहे हैं कि जो पर्यावरण है ये हमारे लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है और कितना सार्थक है। वास्तविकता तो ये है कि पर्यावरण का प्रत्येक तत्व उतना ही मूल्यवान है जितना कि मानव जाति। तो चूंकि आज पर्यावरण दिवस है तो आपने काफी कुछ आपने अपने अंदर अंतरात्मा से कुछ बातें की होगी कि ये जो COVID-19 अर्थात कोरोना की त्रासदी आई, यह भी एक वायरस है जो कि पर्यावरण तत्व ही है, पर्यावरणीय तत्व ही है। तो एक ऐसा तत्व जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो इतने बड़े पैमाने पर हमें प्रभावित किया। सब कुछ पूरे विश्व में, ग्लोब के ऊपर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इसका प्रभाव न देखा गया हो। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसका प्रभाव नकारात्मक ही है, लेकिन मूल्यांकन किया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कुछ हम सकारात्मकता की तरफ जाएं। हमें पर्यावरण के प्रत्येक तत्वों का ख्याल रखना होगा और इसलिए रखना होगा कि हम मानव हैं। पर्यावरण के अंदर जो भी हम अध्ययन करते हैं, जो कुछ भी है, हम और आप, जितनी भी अंतरक्रिया हो रही है, वो अंतरक्रियाएं कई रूपों में आती हैं। प्रतियोगिता के रूप में आती है, यानी कॉम्पिटिशन, संघर्ष के रूप में आती है, स्ट्रगल, सहयोग के रूप में आती है, समन्वय के रूप में आती है। लेकिन इस पर हमें यह विचार करना है कि इसमें हम सार्थकता को जन्म दें तो पर्यावरण का कोई तत्व जो हमारे लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से बहुत ही जरूरी है, उसका हम शोषण न करें, दोहन न करें, दोहन करें शोषण न करें। हम अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए पर्यावरणीय तत्वों का बलिदान न दें। आप जागरूक हैं, आप IAS एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। दुविधा थी, पूरा विश्व लॉकडाउन है, हमारा देश भी लॉकडाउन हुआ, आपसे मेरी बातें होती रही। कई जो एस्पिरेंट हैं काफी दुविधा की स्थिति में हो गए कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब जिंदगी की धड़कन ही रुक रही है तो हम क्या कर सकते हैं। UPSC के परीक्षाओं के संदर्भ में तो कहा जाता रहा, चाहे कुछ भी हो जाए ये परीक्षाएं नहीं टलेंगी, लेकिन इसने सब कुछ कर दिया। बहरहाल आज के दिन संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक मीटिंग के बाद घोषणा कर दी कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा अब 4 अक्टूबर को होगी। जैसा कि आप ये जो प्रेस नोट है इसकी जो सूचना दी गई, सभी एग्जामिनेशंस के विषय में उन्होंने रिवाइज डेट डिक्लेयर कर दिया। तो हमारे लिए क्या है कि जो ये आपको 9th नंबर पर दिख रहा है, ये सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा यानी सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 कब होगा? संडे 4 अक्टूबर को।
फिर इसका मेन कब होगा? जनवरी में होगा, अगले वर्ष नए वर्ष में हम कहाँ जाएंगे? 21 में होगा। 5 दिन की ये परीक्षा होगी, 8 जनवरी से ये परीक्षा क्या होगी, स्टार्ट होगी आपकी, शुरू होगी और 5 दिनों तक ये क्या होगी, चलेगी। जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट हैं, जो प्रतियोगी इंटरव्यू में थे पिछले वर्ष के, अब उनके लिए भी क्या है, खुशखबरी आ गई। 20 जुलाई से जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट की पर्सनालिटी टेस्ट रह गया था, यानी साक्षात्कार रह गया था, वो क्या होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे संघर्ष होता है और कहा भी जाता है कि संघर्ष ही जीवन है। निश्चय ही जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, लेकिन मैं बहुत, जो बड़ी उम्र के लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग, उन लोगों ने भी बोला कि ऐसा संघर्ष जो विगत 2-3 महीने से चल रहा है जीवन का, कभी नहीं देखा किसी ने। लेकिन ठीक है, संघर्ष ही जीवन है। अगर डार्विनिज्म में आप विश्वास करते हैं तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आज से, अभी से आप अपनी कमर कस लें। फिर हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर हमें मेंस क्वालिफाई करना है, और इसके बाद साक्षात्कार भी क्वालिफाई करना ने, इंटरव्यू भी। और मैं आपको शुभकामना दे, जितने भी आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, एक रणनीति के साथ चलें, सुव्यवस्थित योजना के साथ चलें, वेल प्लानिंग के साथ चलें। पहले आप 4 अक्टूबर को ध्यान में रखें, फिर 8 जनवरी को ध्यान में रखें, फिर कमीशन जो डेट डिसाइड करेगा साक्षात्कार की, उसको ध्यान में रखें, और फिर से आप यूपीएससी के एस्पिरेंट बनकर एक अच्छी तरह व्यवस्थित रूप से शुरुआत कर लें। अब सवाल ये है कि जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि 2 भागों में बटा है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो पहला पेपर है आपका, दो पेपर हमारे पास हैं प्रारंभिक परीक्षा की, पीटी के 2 पेपर हैं हमारे पास। जो फर्स्ट पेपर है हमारा, प्रथम प्रश्न पत्र, इसको सामान्यतः नॉर्मली हम इसको क्या नाम दे देते हैं, जीएस। ये क्या है, जनरल स्टडी। और दूसरा पेपर जो सामान्य अध्ययन का ही है, लेकिन हम नाम क्या दे देते हैं सेकेंड पेपर को, क्या नाम दे दिया हमने, सी सेट। बहुत से बच्चे जो नए हैं, थोड़े से निराशा उनके पास आ गई थी, तो फिर से इस वीडियो के माध्यम से आपको ऊर्जा देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप में फिर से ऊर्जा आ जाती है तो मैं सफल हो जाऊँगा अपने कार्यों में। इसमें आपके लिए बहुविकल्पी जो मल्टीपल च्वाइस के क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, और इसमें कितने हैं, 80 हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो पेपर है आपके पास, ये क्वालिफाइंग नेचर का, हमें पता है कि इसको 33% लेने के बाद हमें क्या करना है, इसको क्वालिफाई करना है। तो हालांकि इसको इग्नोर नहीं करेंगे, जब तक इसको पास नहीं करेंगे, ये फर्स्ट पेपर आपका चेक नहीं होगा। तो इसमें भी हमें ये टारगेट रहे कि 30-35 क्वेश्चन आपको सही करना, और इजिली कर लोगे अगर इस 4 महीने में आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, एक सुव्यवस्थित नियोजन के साथ चलते हो, वेल प्लानिंग के साथ अगर आप चलते हो, तो आप निश्चित ही सफल हो जाओगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी प्रीलिम का कोर्स है आपके पास, प्रारंभिक परीक्षा का, उसकी एक समरी में प्रस्तुत कर दूं।
मैंने शुरू भी किया था, लेकिन इस महामारी के कारण, वैश्विक महामारी के कारण वो सब कुछ रोकना पड़ा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। इसमें वैसे तो 26 27 क्वेश्चन, 26 27 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अब जहां तक ये है, जो मेरिट को डिसाइड करेगा और मुख्य परीक्षा के लिए आप क्वालिफाई होंगे, तो जो इसमें पार्ट आपके पास हैं, आपको पता है करेंट अफेयर्स हैं, इंडियन हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स हैं, इंडियन हिस्ट्री से जुड़े सिलेबस हैं, प्रारंभिक परीक्षा, सॉरी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत एक प्रमुख पार्ट है भारतीय इतिहास, जिसमें एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न, कुछ क्वेश्चन पोस्ट मॉडर्न से भी आ जाते हैं, यानी कहने का मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद भौगोलिक पहलू हैं, भूगोल हैं, भौतिक भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल है और भारत का भूगोल है। इसी के साथ हम ले लेंगे, हालांकि नेक्स्ट स्टेज पर वो है पर्यावरणीय अध्ययन ले लेंगे, दोनों को मिलाकर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के बदलते हुए स्वरूप को हमें देखना है। फिर संविधान और राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। इसके बाद हम जनरल साइंस के पोर्शन से ये ले लेंगे। इस तरह से करके हमारे 6 पार्ट हमारे पास हैं, 7 पार्ट, करेंट अफेयर, इतिहास कहने मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस और पर्यावरणीय यानी इन्वायरमेंटल इशू, 7 हैं। इनसे आपके ये मानकर चलो कि 100 क्वेश्चन है, तो यूपीएससी की प्रवृत्ति अजीब है, ट्रेंड ये प्रारंभिक परीक्षा के जहां प्रश्नों का सवाल है यू टर्न लेता है, हमें हर लेवल पर चेक करता है। कभी क्या होता है कि किसी एक पार्ट पर ये एम्फेसाइज करे, कहने का मतलब जोर दे दिया, बल दे दिया, पता चला कि किसी वर्ष राज व्यवस्था और संविधान वाले जो पार्ट हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, कभी इन्वायरमेंटल इशू से ज़्यादा आ गया, तो कभी कभी करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो सामान्य रूप से जो स्टूडेंट वो क्या करते हैं, पिछले वर्ष के क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं, करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ट्रेंड फॉलो कर लेते हैं। सपोज दैट कि पिछले साल हो सकता है कि राज्य व्यवस्था से ज़्यादा क्वेश्चन हो इंडियन पॉलिटी से, तो इंडियन पॉलिटी खूब पढ़ते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। अगले वर्ष पता चला इस वर्ष या नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम होने वाला है उससे बहुत कम क्वेश्चन लिया और दूसरे पार्ट से ज़्यादा ले लिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो 7 पार्ट हमारे पास है करंट अफेयर से लेकर जनरल साइंस तक के किसी भी पार्ट को हमें इग्नोर नहीं करना। हाँ, हमें एक स्ट्रेटजी लेनी है कि किस प्रकार से किसको हम पढ़ें और कम से कम आपके 70 क्वेश्चन बनने चाहिए। जब 70 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे तो जो सामान्य रूप से मेरिट देखी गई कि 50-60 क्वेश्चन के बीच में रहती है वहां तक हम पहुंचेंगे। नॉर्मली हम देखें तो अगर मान लो इस 100 क्वेश्चन है, 7 हैं, तो 14-15 क्वेश्चन एक पार्ट से हो सकते हैं, कभी किसी से ज़्यादा कभी किसी से कम हो सकते हैं। तो हमें किसी पार्ट को इग्नोर नहीं करना है, किसी को छोड़ना नहीं, किसी को नज़रअंदाज नहीं करना है। आप एक नई ऊर्जा के साथ, 4 महीना हमारे पास है, जून की शुरुआत है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना हमारे पास है, मान लो 120 दिन, 120 दिन को हमने 110 दिन कर दिया। अब अपने आज जिसका भी नमन करते हो, जिसकी पूजा करते हो, माता पिता सबसे बड़े होते हैं, गुरु सबसे बड़ा होता है, तो जिसको भी आप मानते हो, प्रार्थना करके आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाएं। टारगेट आपका क्या है पहले कि 4 अक्टूबर को हमें प्रीलिम क्वालिफाई करना है, फिर इसके बाद 8 जनवरी को मेंस के जो 5 दिन पेपर हमारे होंगे, 9 पेपर जो हैं उनको भी क्वालिफाई करना है और आगे फिर इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। अब चूंकि
डेट जो है री अनाउंस हुई है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि कम से कम सामान्य अध्ययन के जो 7 सेक्शन आपके पास हैं, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर पार्ट की एक स्ट्रेटजी के साथ आपको समरी में दूँ। और मैं कोशिश करूंगा इन दिनों में कि कुछ सेलेक्टिव तथ्यों को, पॉइंट्स को आपके सामने रखा जाए जिससे आपका काम हो जाए। पिछले दिनों जो हमने शुरुआत की थी तो उसमें मैंने शुरू के क्लास में बताया था कि जो स्ट्रेटजी हम लेंगे अगर उतना आप फॉलो करते हो, समरी में बताऊंगा, पूरी क्लास आपकी प्रीलिम्स की नहीं चलेगी, क्या होगा समरी बताई जाएगी। जैसे हिस्ट्री ले लिया तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो एक एक पार्ट को समरी वाइज आपको बताया जाएगा, आप साथ में उसको याद करें, और याद करने के साथ साथ जो भी आपके पास क्वेश्चंस पेपर हैं, किसी के भी हो, सामान्यतः बैक ईयर के क्वेश्चंस पेपर का आप क्या करो, एक तरह से प्रैक्टिस करो। तो मेरा ये लक्ष्य होगा कि इन दिनों जो हम एक सेगमेंट बनाएंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे, हम भी आपकी तरह आज ही इस पर काम मैं करूंगा, और 2-3 दिन में उसका एक स्वरूप आपके सामने लेकर आऊंगा। और हिस्ट्री से लेकर, कहने का मतलब करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल इश्यूज में स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे कैसे आप करोगे, अगर उतना फॉलो करोगे तो मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि इसमें 70 क्वेश्चन तक हम क्या करें, पहुंच जाएं, 70 तक पहुंच जाएं, इतना। तो 1-1.5 घंटे आपके साथ डेली में बात करूंगा, एक स्ट्रेटजी बनाने के बाद 2-3 दिन के बाद मैं आऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनका फायदा हो। क्लियर? तो आप स्ट्रेटजी बनाएं, मन को शांत रखें, सुरक्षित रहें, और इस महामारी, अभी महामारी समाप्त नहीं हुई है ये, मैं तो सामान्य रूप से भी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं, हेल्थ है तब सब कुछ है। तो आप मेंटली और फिजिकली टफ हो, स्ट्रांग हो जाएं, आपको भी जो प्री कोरोना स्टेज था आपका, और आज क्या है, करंट कोरोना स्टेज है, पोस्ट नहीं अभी कहा जा सकता है, अभी केसेज आप देखो डेली आ रही है, लेकिन हमें सजग रहना है। और आपको देश की अगर सेवा करनी है, आज जो कोरोना एरा से हम लोग गुजर रहे हैं, यहाँ आपको लग रहा है ये जो एरा है, ये जो काल चल रहा है, पूरी तरह से हमें क्या किया है, अंदर से उद्वेलित किया है, उद्वेलन हो रहा है। तो राष्ट्र को आपकी जरूरत है, किसके लिए, सर्विस के लिए। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ें। जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, अगर आप बहुत दूर हो, गांव में हो, रिमोट एरिया में हो, अगर आपके पास कोई मैटर नहीं मिल रहा है, आपके पास साधन नहीं है, तो आप बिना किसी संकोच के, बिना एनी, कहने का मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, कॉल करें, बात करें, जो मेरे पास होगा, संस्थान के पास होगा, मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, माध्यम जो भी हो, और निःशुल्क जितना भी मेरे पास होगा, संस्थान के पास होगा, मैं और अपनी फैकल्टी से कोऑर्डिनेट करने के बाद मैं सहयोग करूंगा, चाहे आप कहीं भी हो, बस मुझे सूचना मिलनी चाहिए। तो ये फिर से मैं बोल दूं कि यूपीएससी ने डेट को री अनाउंस कर दिया, अब आपका मिशन शुरू हो चुका है। पहले प्रीलिम आपका कब होगा, 4 अक्टूबर को, मेंस 8 जनवरी को, तो आप शुरू हो जाएं। बाकी जैसे मैंने कहा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपको हो मैटर के संबंधी, कॉन्सेप्ट के
संबंधित कहने का मतलब कुछ आपको समझ में ना आए, बिना किसी संकोच के आप संपर्क करें, सारी समस्याओं का समाधान है। जब हम कोविड जैसे बिना दिख जो अनदेखा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उससे संघर्ष करके हम जीत सकते हैं और जीतेंगे, तो आपकी समस्या और मेरी समस्या कोई बड़ी नहीं है। बस ध्यान में रखना दो चीज, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अगर आप कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की संकल्पना को अपना लेते हैं तो हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को हम पार कर लेंगे। समय लग सकता है, ये समय ही तो है। प्री कोरोना स्टेज में क्या समय था, अब इस सिनेरियो में क्या है, जो प्रेजेंट कोरोना एरा चल रहा है या समय चल रहा है क्या है, तो हम जीतेंगे। तो आप नमन करें, वंदन करें, जिसको आप नमन करते हैं, जिसकी वंदना करते हैं, और आज फुल ग्रुप एक स्ट्रेटजी बनाएं और अपने टारगेट की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाएं। और मेरी तरफ से बड़ी बड़ी मत कहने का मतलब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।